हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और ये मैंने बताया था ना अपनी इससे पहले वाली वीडियो में, ये गुरुवार की ही दूसरी वीडियो है। ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे फलाहार। फलाहार मतलब व्रत का खाना। और यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों चूल्हे पे जो है चढ़ा दिया है कढ़ाई। और क्योंकि क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी कर लो काम, तो काम करने में टाइम नहीं लगता है। तो वही मेरी आदत है, मैं जल्दी जल्दी कुछ कर लेती हूँ, कुछ जल्दी ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ी सी मूंगफली, और मूंगफली भुनना था। किस लिए भुनना था, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस में डालना है मुझे मूँगफली। और बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं अगर आए ऐसे बनाए तो। और आप मतलब पेट भी भर जाएगा और अच्छा टेस्टी भी लगेगा, तो आप एक बार ट्राई करिएगा। और यहाँ दूसरी कढ़ाई मैं बना रही हूँ लौकी की भुजिया। और देखिए, मैंने घी डाल दिया उसमें। और लौकी की भुजिया कुछ नहीं, सिंपल जीरे और हरी मिर्च और घी के साथ बना रही हूँ। तो घी गर्म होते ही इसमें तड़के में डाल दूँगी मैं हरी मिर्च और जीरा। बस यही डालना है, कुछ भी नहीं डालना है आपको। और इधर मेरी मूँगफली भुन गई थी तो मैं बंद कर दी थी। तो देखिए, मेरी मूँगफली भुन गई। अब मैं मूँगफली को निकाल लूँगी। और इधर घी गर्म हो गया, उसमें डाल दिया मैंने जीरा। और जीरा जैसे छटकने लगे उसमें आप हरी मिर्च कट करके डाल दीजिए, चाहे गोल गोल या लंबा लंबा जो भी हो। तो मैं जो है मिर्ची लौकी के अंदर ही काट ली थी, मैं उसमें नहीं डालती तड़के में। वो क्या होता है ना, झार उठने लगता है, फिर सब परेशान हो जाते हैं। तो मैं लौकी में ही डाल के फिर डाल देती हूँ, भुन जाता है। और यहाँ पे देखिए, मूँगफली भी भुन गई। तो मूँगफली के छिलके उतार लूँगी, और छिलके उतार के इसको मिक्सर में पीस लूँगी मैं। और यहाँ पे मेरी देखिए लौकी, और लौकी अभी पानी छोड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना बनने में। तो मैं इसको इधर धीमी आंच पे करके छोड़ दूँगी, अपना बनता रहेगा, ढक के उसको छोड़ दूँगी। और सेंधा नमक डाल दीजिए आप, सेंधा में व्रत वाला जो नमक आता है, सेंधा नमक उसी को बोलते हैं। तो काला नमक नहीं, काला नमक दूसरा होता है, ये सेंधा नमक व्रत वाला जो होते हैं ना उसको डाल दूँगी। क्योंकि 9 दिन के जो लोग रहते हैं उनके लिए तो सेंधा नमक खाते हैं ना व्रत वाला, तो वही फिर। और इधर मैं आलू पहले से ही उबाल के रखी थी, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बीच में मैंने आलू भी रख दिया था। तो मैंने आलू भी इधर, मेरे आलू इधर उबल गए थे, तो मैं यहाँ पे आलूओं को जो है छीन लूँगी। और आलू आजकल ना खूब यूज हो रहा है व्रत में, पता नहीं क्या है, अब सब चीज़ ही आलू मिर्च से ही बन रहा है। तो वही यहाँ पे देखिए ढेर सारा आलू। और मैं सब्जी बना लेती हूँ अपने और इनके लिए, सबके लिए एक साथ। अब दो दो बार क्या बनाना। तो यहाँ पे देखिए, मैं मूँगफलियों को ना ऐसे छिलके उतार लूँगी इसके, और छिलके उतार के फिर इसको मतलब आप भूनने के बाद जब रगड़ेंगे ना तो छिलके आसानी से उतर जाते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे पीस लिया उसको मिक्सर में डाल के, और यहाँ इसमें से आधा निकाल लूँगी। यहाँ कटोरी में मैंने आधा निकाल लिया क्योंकि इसको मुझे किसी डिश में डालना है। और आधा जो मूँगफली बचा है ना उसमें मैं नमक और धनिया पत्ता और हरी मिर्ची डाल के इसको मैं बारीक पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी डालिए, मूँगफली, नमक, धनिया पत्ता और हरी मिर्ची, बस इसको डाल के या थोड़ा सा पानी डाल के आप पीस लीजिए। देखिए मेरी चटनी, और इतनी टेस्टी चटनी बनी थी ना, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और पता नहीं क्या होता है, नवरात्रों के जो खाने होते हैं ना, भले लहसुन प्याज के बिना बने लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। कुछ होता है ऐसा, तो मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा नवरात्रों के दिनों में ऐसे बना के, तो देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए, दूसरी कढ़ाई मैंने डाला घी, और उसके बाद हरी मिर्ची, और उसके बाद जीरा। घी गरम होते ही जीरा हरी मिर्ची डाल के, और मैंने इसमें लगा दिया आलू का तड़का, मतलब आलू डाल दिया, आलू भून दिया। और इधर मेरी सब्जी भी अपना बन ही रहा था कम आँच पे, तो इधर आलू भुनेगा तब तक मैं काट लूँगी टमाटर, और उसके बाद धनिया पत्ता और हरी मिर्ची, ये सब काट के रख लूँगी इसमें डालने के लिए। धो के तो रखते हैं फ्रिज में, लेकिन क्या होता है कि आप धो के फिर डालिए तो अच्छा रहता है। और देखिए मेरी चटनी कितनी शानदार बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, और यहाँ पे मेरी चटनी भी तैयार हो गई थी। और व्रत में क्या होता है, दिन में खाते नहीं हैं, तो शाम को मैं सोचती हूँ उनको कुछ ऐसा बना के हेल्दी खिला दें कि इनके मतलब इनको लगे कि हाँ, दिन भर की जो थकान और वो रहती है ना, वो थोड़ी कम हो जाए। देखिए, खाना ना खाने का तो बॉडी पर असर होता ही है, ऐसा तो है नहीं। और यहाँ पे आलू मेरे भुन गए थे, लाल लाल से हो गए थे घी डालने से, वो भुने तो लाल लाल हो जाते हैं। फिर उसके बाद टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिया नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, बस कुछ भी नहीं इसमें डाला है। और इसको तब तक अब भूनूंगी जब तक कि टमाटर अच्छे से इसमें गल ना जाए। और टमाटर नहीं डालना आप मत डालिए। और ये दो आलू मैंने कच्चा इसको छील के और काट लिया है, इन दोनों को भी पीस लूँगी।
इसको क्या करूँगी आप आगे देखिएगा। तो उसी मिक्सर जार में मैंने मिक्सर धोया नहीं, जो चटनी वाला है ना उसी में मैंने आलू डाल के और फिर पीस लिया, और इधर मेरे टमाटर भी गल गए हैं। और गलने के बाद अब मैं इसमें वो जो भुनी हुई मूँगफली रखी थी ना कटोरी में, आपको दिखाया था कि ये रख रही हूँ जो भुनी हुई कटोरी में, तो मैं उसको डालूंगी यहाँ पे। और साथ के साथ मैं लगा लेती हूँ आटा, और ये है सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा नहीं, सिंघाड़े का आटा है। और सिंघाड़े के आटे में ये चालन वगैरह ना नवरात्रों में पहले ही धो के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है पैकेट में पता नहीं कैसे कितने दिनों के पैक रहता है, तो मैं इसमें यही करती हूँ कि धो के फिर रख लेती हूँ, और 9 दिन अपना इसी से बस यूज होता है, और पैकेट में भी है तो कितना सेफ़ रहेगा आप समझ सकते हैं। तो मैं इसमें चाल के देख लेती हूँ कहीं कीड़े वगैरह या कुछ भी ऐसे है तो नहीं, ना साफ़ सुथरा है ना एकदम से। और देखिए ये मूँगफली का वो पिसा हुआ जो था ना उसको डाल दिया, और बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद हरा धनिया डालिए और डाल के, और उसके बाद इसकी सब्जी, और दोनों मैंने सूखी ही बनाया, मतलब लौकी का तो खैर मीडियम रहेगा ना सूखा ना गीला, लेकिन इसका मैंने सूखा ही बनाया, और कल मैंने बनाया था ग्रेवी वाली सब्जी तो आज मैंने सूखा ही बना दिया है। और देखिए यहाँ पर हो गया मेरा ये सब्जी रेडी। उसके बाद मैं गूथ लूँगी यहाँ पे आटा, और आटा बस वही करना है, आटा को आप छन्नी से छान लीजिए, छन्नी ना हो तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं अपना बता रही थी कि मैं ऐसे करती हूँ व्रत के दिनों में ना, छन्नी से छान लेती हूँ और साफ़ सुथरा निकाल लेती हूँ आटा। और उसके बाद जो आलू पीस रखा था ना कुछ भी नहीं मत डालिए, उसी आलू को डाल के आप गूथ लीजिए आटा, बस आपको जितना आलू डालना है ना आलू डाल लीजिए, पानी मत डालिए, आलू में पानी भी नहीं डालना है, आप मिक्सर चलाएंगे तो आलू खुद ही लिक्विड जैसा हो जाता है, एकदम बारीक आलू पीस लीजिए, पीस के डाल दीजिए। और इसको आप सिंपल आटे में भी डाल के बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में है। और उसके बाद देखिए मैंने घी लगा के 2 मिनट के लिए आटे को रख दिया था अलग, और यहाँ पर मेरी लौकी भी तब तक बन गई थी, और इसी कढ़ाई में मैं अब बना लूँगी अपनी पूरी। और 10 मिनट के बाद मेरा आटा इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा हो गया था कि अगर मतलब आप लोगों को दिखाना होता तो मैं दिखाती। और देखिए यहाँ पे मैं इधर कढ़ाई रख दी पूरी तलने के लिए, और दूसरी ओर इधर मैं इनकी थाली लगा रही थी, तो मैंने दही निकाला है और आलू की सब्जी निकाला है, और कल मैंने रायता बनाया था तो आज रायता नहीं बनाया, और इसमें लौकी की सब्जी और चटनी निकाल दूंगी। तो ये मेरी लौकी की सब्जी हो गई, और थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ ना, नमक वाला चीज़ देना भी तो ज़रूरी है ना, पूरे दिन कुछ नहीं ऐसे खाते हैं तो। और यहाँ पर देखिए मैंने चटनी, और इनको बहुत पसंद आई ये चटनी, ऐसे खाते नहीं है लेकिन इनको अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ अब पूरियाँ, और पूरियाँ इतनी सॉफ्ट बनी थी ना, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग भी अगर व्रत में, और ये किसी भी व्रत में खा सकते हैं, ऐसा नहीं है जो नमक खाने वाला व्रत है उसमें आप बना के खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नवरात्रों में ही खाएं। और मैं एक छोटा सा इसमें डाल के देख रही थी कि मतलब छोटा सा क्या, जब हम पूड़ी उड़ी तलते हैं ना तो एक छोटा सा डाल के ज़रूर मैं निकालती हूँ, मेरी हर वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अग्नि माता को बोलते हैं कि इसको निकाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं हाथ से ही पूड़ियाँ बना लूँगी, आप चकला बेलन से बना लीजिएगा। और देखिए मेरी पूड़ी थोड़ी सी थिक बनाइएगा, बहुत पतली सी नहीं, थोड़ी सी मोटी मोटी होगी ना तो वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मुझे ना हाथ से आ जाता है बनाने, मतलब ये सब आटे ना मैं बना लेती हूँ, और वैसे भी मेरा चकला बेलन ना आटे का था तो मैं उसको यूज नहीं की और धोने को भूल गई थी मैं हाथ से देखिए कितनी अच्छी अच्छी पूरियाँ निकाल लूँगी मैं। और 4-5 बच्चे तो खाते नहीं हैं, हम ही लोग खाते हैं, तो आज का फलाहार डिश यही रहा, मैं इनको खाना दे दूँगी। वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा।